हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट 6, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अलजेब्रिक इक्वेशन। डियर, ये जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आए, लेकिन ये एक और लास्ट टफ टॉपिक है, थोड़ा सा हटके टॉपिक है जो सिंपल क्वेश्चन से अलग आ सकता है आपके पास। तो वही कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आपको समझाने की क्वेश्चंस लेकर। हम देखिए सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले सकते, बट यही कोशिश करी है जितने भी पार्ट्स आपके लिए बनाए कि आपको हर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट जो है डिफरेंट कंसेप्ट सीखने को मिल जाए और कंसेप्ट सीखने के बाद आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अलजेब्रिक इक्वेशन। बहुत रेयर होता है कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन अगर आ जाए तो हमें डील करना आना चाहिए। तो ये क्या टॉपिक है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम जेआर मुंगा से ही। तो आपके पास क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सोनू लिमिटेड एज एन 31 मार्च। शेयर कैपिटल दे रखी है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपीज की है, 5 लाख रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बता रखे, तो आप देखिए अगर 100 रुपीज की है तो 5000 शेयर्स हो गए इक्विटी। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 ईच, 80% कॉल्ड अप। अगर 10 का आपने 80% कॉल्ड अप किया है तो इसका मतलब 10 का 80% कितना हो गया, 8 रुपए कॉल्ड अप कर दिया। इसका मतलब जिन प्रेफरेंस शेयर्स को आपने रिडीम करना है वो भी फुली पेड अप नहीं है। दैट मींस सबसे पहले आपको उनको फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। तो 2 रुपए जो भी बकाया है आपके पास वो आपको मंगवाने पड़ेंगे। बट इस क्वेश्चन में एक और अलग सी चीज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे डियर, आपको यहां नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे। देखिए ज्यादातर आपके पास जितने भी क्वेश्चन थे उसमें नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे थे। तो देखिए जो ये 2 लाख रुपए आपको रिसीव हुए हैं, ये कैसे रिसीव हुए होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 8 रुपीज इक्वल टू 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 8 रुपीज इक्वल टू 2 लाख। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो 2 लाख को 8 रुपए से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको नंबर ऑफ शेयर पता चल जाएंगे। इज इट ओके? तो आपके पास यहां पर शेयर्स आ जाएंगे 25,000 शेयर्स, जिन पर आपने अभी तक 8 रुपए मांग लिए हैं और 2 रुपए मांगने हैं। तो 2 रुपए की भी फाइनल कॉल आपने लेनी है, तो 25,000 × 2 फाइनल कॉल सबसे पहले आप रिसीव करेंगे, क्योंकि आप लोगों को कंडीशंस बताते वक्त हमने बताया था जब तक शेयर फुली पेड अप नहीं होते तब तक उनकी रिडम्पशन नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर एंट्री किस बात की करनी पड़ेगी, शेयर्स को फुली पेड अप बनाने की। उसके अलावा आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, फिक्स एसेट दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, डेटर दे रखा है, कैश एंड कैश इक्वेलेंट दे रखा है। प्रेफरेंस शेयर्स आर ड्यू फॉर इमीडिएट रिडम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, द डायरेक्टर्स डिजायर दैट ओनली मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच at a premium of 5% be issued for provide redemption of such preference shares as could not otherwise be redeemed. Assuming that all formalities required under section 55 were complied with, you are required to give the journal entries and also prepare the balance sheet. अब देखिए बाकी इसमें कुछ खास चीजें नहीं दे रखी हैं, सिर्फ आपको ये बताया है, बस अब इसे ध्यान रखिएगा, रिडम्पशन आपकी 10% पर है और आप शेयर इश्यू जो करेंगे वो 100 रुपए का एक शेयर है, 5% प्रीमियम पर। इज इट ओके? अब हम यहां से रिजर्व्स वगैरह लिख लेते हैं, सरप्लस वगैरह, जो अपना वर्किंग नोट बनाना शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले अलजेब्रिक इक्वेशन में आपको याद होगा हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सोर्सेज लिखते हैं, राइट? सोर्सेज में भी आपके पास सबसे पहले फेस वैल्यू और यहां पर क्या आता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, राइट? और यहां पर आपको चाहिए कैश। लेकिन ये लिखने से पहले आपको फाइनल कॉल की एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड अप नहीं होंगे उनकी रिडम्पशन स्टार्ट नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने आपको बताया कि 2 लाख रुपए को 8 से डिवाइड करेंगे तो 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिन पर आपने अभी फाइनल कॉल लेनी बाकी है। तो पहली एंट्री किस बात की होगी डियर, आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, सॉरी पहले ड्यू करने की फिर रिसीव करने की। एक प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके पास, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 25,000 शेयर्स × 2। तो कितने रुपए हो गए आपके पास, 50,000 रुपीज। अभी से रिसीव कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल
50,000 रुपए। तो अब हमें क्लियर है कि 2 लाख रुपए हम पहले ले चुके थे, 50,000 रुपए फाइनल कॉल के ले लिए, तो टोटल मिलाकर जो हमें रिडम्शन करनी है फेस वैल्यू वो है 2.5 लाख रुपए। इज इट ओके? और हमारे पास जो प्रीमियम रिडीम करना है वो है इसका 10%, दैट इज 25,000। अब हमारे पास जो रिजर्व है उसमें एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास 5,000 रुपए, और एक हमारे पास सरप्लस पड़ा है 23,250 रुपए। अब कैसे पता चलता है कि ये क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का है? एकदम तो सामने लिखा नहीं होगा कि आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो डियर देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बताया कि हम प्रीमियम और रिडम्पशन के पैसे निकालते हैं, फिर फेस वैल्यू के पैसे निकालते हैं और फिर कैश की बात करते हैं। तो आप ये देखिए, जो प्रीमियम है इसको सबसे पहले हमने 5,000 एसपीआर में से ले लिया, राइट? अब हमारे पास ये प्रीमियम और कितना लेना रह गया, 20,000 रुपए। अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा होता कि आपके पास जो नए शेयर इश्यू करे जाएंगे वो प्रीमियम पर इश्यू करे जाएंगे, तो ये बात क्लियर हो जाती कि आपके पास जो नए शेयर है उन पे प्रीमियम नहीं आएगा, इन एसपीआर कहीं और से नहीं आने वाला, तो सिर्फ आपको एग्जिस्टिंग रिजर्व ही इस्तेमाल करने हैं। फिर तो हम 20,000 रुपए सरप्लस से निकाल लेते। इज इट ओके? प्रीमियम में एसपीआर भरने के बाद आप यहां से निकाल लेते। क्लियर है मेरी बात? क्या बात नहीं लिखी होती कि नए शेयर प्रीमियम पे इश्यू करे गए? अगर ऐसे लिखा जाता नए शेयर इशू करें आपने 100 रुपए ईच, यानी पार पे इशू करें, यानी वहां से कोई प्रीमियम नहीं आने वाला, तो फिर तो आपको एसपीआर कम पड़ने के बाद सरप्लस से 20,000 रुपए निकालने पड़ते और सरप्लस रह जाता आपके पास 3,250। इज इट ओके? लेकिन अब आपको पता है कि जो आप नए शेयर इशू करेंगे वो प्रीमियम पर इशू करेंगे, और आप बड़ी पॉजिटिव थॉट लेकर जाएंगे और सोचेंगे कि जब हम वो शेयर इशू करेंगे तो उस पर इतना प्रीमियम आ जाएगा जो हम ये 20,000 रुपए आराम से निकाल लेंगे। ऐसा ही अभी तक हम सभी क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि जो हम शेयर इशू करेंगे उस पर प्रीमियम आ जाएगा, वो हम यहां पर यूज कर लेंगे, तो ये जो 23,250 है ये हम यहां पर यूज कर लेते हैं। इज इट ओके? अब अगर आप 2.5 लाख में से 23,250 यहां यूज कर लेते हैं तो आपके पास रह जाते हैं डियर 2,26,750 रुपीज, जिसके आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे, राइट? अगर आप 2,26,750 रुपीज के शेयर इशू करते हैं, 100 रुपए का आपका शेयर है, इज इट ओके? तो आपके नंबर ऑफ शेयर पॉइंट में आ रहे हैं, तो आप पॉइंट में तो शेयर्स होते नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा 2,268 शेयर्स। ओके? यानी आपके पास 2,268 × 100 जो भी है आपके पास ये पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब ये चीज आ जाएगी इश्यू ऑफ शेयर से। अब जो हमने सोचा था कि इतने शेयरों से प्रीमियम भी आ जाएगा, तो आपने जो शेयर इशू करे हैं वो 100 का शेयर 5% प्रीमियम पे इशू करा है। 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपए, यानी पर शेयर आपके पास 5 रुपए प्रीमियम आ जाएगा, राइट? अगर हम ये 5 रुपए से इंटू करें तो डियर ये सिर्फ 11,340 रुपए बन रहा है, और जबकि हम क्या सोच के बैठे थे कि हम यहां पर 20,000 रुपए बड़े आराम से कमा लेंगे जो नया शेयर इशू करेंगे, जो कि यहां नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अब क्या होगा, क्योंकि आप सरप्लस पहले ही वहां इस्तेमाल कर चुके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इनफ आना नहीं है जो कि 20,000 को एग्जॉस्ट कर ले, और कोई रिजर्व अभी पढ़ा नहीं है, तो फिर तो ये जो हमने अजम्पशन लिया है सारी की सारी ये तो गलत हो गई, क्योंकि सबसे पहले तो प्रीमियम के 25,000 रुपए पूरे पूरे निकलने ही चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन आपके पास अराइज होती है तब यूज होता है डियर एल्जेब्रिक इक्वेशन का। ओके? तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या करेगी, वो इतना इश्यू करेगी ताकि प्रीमियम भी आराम से आ जाए, जितने रिजर्व्स पड़े हैं वो भी एग्जॉस्ट हो जाएं, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत भी हमें ना हो। तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन आपने कैसे बनानी है, आपको 2.5 लाख रुपए तो चाहिए फेस वैल्यू के लिए, 25,000 रुपए चाहिए प्रीमियम के लिए, राइट? टोटल मिलाकर आपको ये चाहिए, सोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, कैश की बात नहीं कर रहे, फिर से आप याद रखिएगा कि इस बार सोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो सोर्स के लिए हमें इतना चाहिए, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 5,000, 23,250 का हमारे पास सरप्लस है, बाकी के हमें एक्स रुपए के शेयर इशू करने हैं, ये फेस वैल्यू है, और उस पर 5% हमें क्या मिल जाएगा, प्रीमियम। तो जो टोटल अमाउंट होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू दिस अमाउंट, और उस हिसाब से आप हमें बताइए कितने रुपए के शेयर इशू करने चाहिए ताकि हमारे पास पूरा 2,75,000 रुपए यूज हो जाए। तो ये है आपके पास एल्जेब्रिक इक्वेशन, जो यहां पर इस्तेमाल कर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखिए, ये हो गया 2,75,000, और इसमें से हम 28,250 जो है वो माइनस कर देंगे। यहां पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 105 अपॉन दिस, राइट? आप इसे माइनस कर दीजिए, 2,75,000, 28,250,
इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय 105 हो जाएगा, तो आपके पास ये आ गया एक्स जो है, एक्स रुपीज था 235,000 रुपए के आप शेयर इश्यू करेंगे तो जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़े तो 235,000 फेस वैल्यू थी, राइट, हमने बताया आपको, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, इसका मतलब आपके पास 2350 शेयर इशू होंगे जिससे आपका काम आराम से हो जाएगा। इज इट ओके, क्लियर है मेरी बात? अब देखिए, अब हमें फाइनल कॉल की एंट्री के बाद जो शेयर इशू करे हैं हमने उसकी एंट्री हमें करनी है, तो सबसे पहले हम शेयर इशू की एंट्री कर लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? अब आप देखिए, आपके पास सरप्लस था 23,250, एसपीआर आपके पास 5,000 था, और अब आपके पास यहां से इंटू 5, ये कितना आ जाएगा आपके पास, इंटू 5 कर देंगे अगर हम, तो 11,750 का और आ गया, तो 16,750 का आपके पास ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमें प्रीमियम लेना है, जो हम यहां प्रीमियम ले रहे थे उसमें 5,000 ओल्ड वाले से, 11,750 न्यू वाले एसपीआर से, एसपीआर में वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता, और बाकी का जो हमारा कम पड़ रहा है 8,250, ये हम ले लेंगे सरप्लस से। इज इट ओके, क्लियर है? 8,250 ये हमने ले लिया आपके पास सरप्लस से, तो ये आप देखिए कितना रह जाएगा, 23,250 था, 8,250 अगर आप ले लेते हैं तो 15,000 रुपए का आपके पास सरप्लस जो है वो बच गया। दोबारा समझिए, देखिए आपके पास प्रीमियम, प्रीमियम को हमने कैसे सेट ऑफ किया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हमें चाहिए था 25,000 रुपए, हमारे पास एसपीआर टोटल मिलाकर कितना हो चुका है इस बार, 16,750, 5,000 पहले पड़ा था, 11,750 आपके पास और आ गया, तो 16,750 हमने यहां से ले लिया, 8,250 की कमी पड़ी, वो हमने कहां से ले लिया, सरप्लस से ले लिया 8,250। अब आपके पास सरप्लस में टोटल मिला के 23,250 थे, 8,250 अगर आप ले लेते हैं डियर तो सिर्फ 15,000 बढ़ता है। अब आप फेस वैल्यू पर आइए, फेस वैल्यू के आपको 2,50,000 रुपए चाहिए थे, सरप्लस का मतलब होता है जितना आप सरप्लस इस्तेमाल करते हैं उतना ही सीआरआर बनेगा, तो आपके पास 15,000 ही सरप्लस पड़ा है, तो वो आप फेस वैल्यू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आपके पास 2,35,000 की जो कमी है वो हम इश्यू ऑफ शेयर से पूरी कर लेंगे। इज इट ओके, पक्का? बात आती है कैश की, तो हमें 2,75,000 रुपए का कैश चाहिए, तो आप देखिए, आपने सबसे पहले फाइनल कॉल से 50,000 रुपए मंगाए हैं, यहां से पैसे आ जाएंगे, कितने रह गए, 2,25,000 रुपए, और फिर जो आप इश्यू कर रहे हैं वही 2,35,000 का है फेस वैल्यू, अभी तो प्रीमियम मिलाकर और, तो ये आपके पास बड़े आराम से कैश अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें वर्किंग नोट समझ आ चुका है, अब हमें करनी चाहिए एंट्रीज, जिसमें हमारी ये एंट्री हो चुकी है, फाइनल कॉल हमने मंगवा ली है, अब हमारे पास जो शेयर इश्यू है वो हम एंट्री करेंगे, तो शेयर इश्यू की एंट्री क्या हो जाएगी डियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने पैसे आएंगे, 23, कितने शेयर थे आपके पास, 2,350 इंटू में 105, राइट, 2,350 इंटू में 105, 246,750, 246,750, 246,750। नाउ इसी की एक एंट्री और होती है शेयर कैपिटल में डालने की, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां तो आपके पास 2,47,50 आ गया, शेयर कैपिटल में आएंगे 2,35,000, राइट, और 11,750 आपके पास हो गया प्रीमियम। इज इट ओके, अब आपने क्या करना होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को जो आपने राइट ऑफ करा है उसकी एंट्री करेंगे हम लोग, तो कैसे लिखेंगे, एसपीआर अकाउंट डेबिट सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपने एसपीआर कितना इस्तेमाल करा, 11,750 और 5,000 यानी 16,750 और बाकी का 8,250 आपने लिया यहां से और आपके पास 25,000 रुपए का अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद सीआरआर भी आपने बनाया है 15,000 रुपए का, ये हमने यहां लिखा था सीआरआर 15,000 रुपए का था हमारे पास, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर
15,000 बस। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बैंक लोन भी लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कैश इनफ था। अब हमारे पास रिडम्पशन के लिए ड्यू करेंगे और क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो हमारी सेवेंथ एंट्री क्या होगी, जितना भी परसेंट डिबेंचर था जरूर याद रखिएगा, दैट इज 12%। तो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितने देने हैं आपने, 2,75,000 राइट, 2,50,000 फेस वैल्यू के और 25,000 रुपए प्रीमियम के। अब पे कर दीजिए सिंपली, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज 2,75,000। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो और आप लोग आराम से अब इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्लीज शेयर करिए और हमें सपोर्ट कीजिए।